हेलो मामाज एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आपको कैरेट प्यूरी और कैरेट मैश कैसे बनाना है। 6 महीने के बच्चों के लिए आपको कैरेट प्यूरी बनाना है और 8 महीने के बच्चों के लिए आपको कैरेट मैश बनाना है। अब 8 महीने के बच्चों के लिए कैरेट मैश इसलिए क्योंकि 8 महीने तक बच्चों के जो गम्स है वो स्ट्रांग हो गए। अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैरेट प्यूरी से कैरेट मैश का जो ट्रांजिशन है उसके लिए आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। अब आप जब भी अपने डॉक्टर के पास विजिट जाए आप अपने डॉक्टर से पूछवा सकते हैं कि आपके बच्चे के जो गम्स है वो स्ट्रांग हो गए कि नहीं। अगर आपके बच्चे के जो गम्स है वो स्ट्रांग हो चुके हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर से बच्चों को प्यूरी फूड से मैश फूड खिलाने का ट्रांजिशन के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर थम देते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं तभी आपको प्यूरी फूड से मैश फूड में जाना है। अब ये ट्रांजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम क्या कहते हैं लंबे समय तक बच्चों को प्यूरी खिलाते रहते हैं। इससे क्या होता है बच्चों को प्यूरी खाने की आदत हो जाती है, वो मैश फूड या थोड़ा सॉलिड फूड नहीं खाना चाहते। इसलिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें खाने का टेक्सचर भी चेंज करते रहना चाहिए जिससे जब बड़े हो तब वो प्रॉपर फूड खा सके। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको कैरेट मैश कैसे बनाना है। कैरेट मैश या कैरेट प्यूरी बनाने से पहले आपको कैरेट्स कौन से टाइप के लेने वो पता होना जरूरी है। अगर विंटर सीजन है तो आपको आराम से रेड कैरेट्स मिल जाएंगे और उस वक्त आपको रेड कैरेट्स ही बनाने चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा मीठा भी होता है जिससे और जो बच्चों को खाने में अच्छा भी लगता है। अगर आपको रेड कैरेट्स नहीं मिले जैसे कि समर सीजन है या फिर रेनी सीजन है तो उसमें रेड कैरेट्स नहीं मिलते तो उस वक्त ऑरेंज कैरेट्स भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैश बनाने के पहले आपको क्या करना है कैरेट का जो ऊपर का छिलका है वो अच्छे से पील कर लेना है और फिर कैरेट को डाइसेस में काट लेना है और उसके जो टुकड़े हैं उनको अच्छे से पानी में धो देना है। पानी में धो के निकालने के बाद अगर आपके पास फूड स्टीमर है तो आपको फूड स्टीमर यूज करना है। अगर नहीं है तो आपको एक बड़ा तपेला लेना है और उसके अंदर 2 ग्लास जितना पानी भर लेना है। उसके अंदर आपको एक स्टैंड रखना है और उससे छोटा पतीला आपको उसके अंदर रखना है और जितने भी आपने कैरेट के डाइसेस काटे हैं वो सारे डाइसेस आपको उसके अंदर रख देना है पतीली के अंदर और उसको ढक देना है 5 से 7 मिनट के लिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको खाने को बॉईल नहीं करना है, आपको खाने को स्टीम करना है। खाने को बॉईल करने की वजह से खाने के जितने भी न्यूट्रिशन है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम छोटे बच्चों को स्टीम करके खाना खिलाते हैं जिससे जितने भी न्यूट्रिशन है वो बने रहे। अब 5 से 7 मिनट के बाद आपको गैस को टर्न ऑफ कर देना है और कैरेट को 2 से 3 मिनट के ठंडा होने देना। अब आपके पास अगर फूड ग्राइंडर है तो आप फूड ग्राइंडर से उसको ग्राइंड कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आपको मिक्सर लेना है, मिक्सर के अंदर सारे कैरेट्स को डाल देना है जितने भी डाइसेस आपने किए थे और मिक्सर को 30 सेकंड के लिए चलाना है। आप खोल के देखिए कैरेट की एकदम अच्छी सी प्यूरी बन चुकी है। अब वो प्यूरी आप अपने बेबी को खिला सकते हैं। मैश के लिए आपको क्या करना है, बस मिक्सर में आपको घुमाना नहीं है, उसको एक बोल में ले लेना है और बोल में जो हैंड मैशर होता है हैंड मैशर से अच्छे से आपको उस जो कैरेट के जो प्यूर जो डाइसिस है उसको अच्छे से स्टीम करने के बाद उनको मैश कर देना है। अब जब उनको अच्छे से मैश कर देंगे उसका जो टेक्सचर एकदम दानेदार टेक्सचर हो जाएगा और ये आप 8 से 9 महीने के आपके बच्चे के जिनके गम्स स्ट्रांग हो गए जिनके डॉक्टर ने बोला कि आप उनको ये वाले टेक्सचर का खाना खिला सकते हैं उनको ये फूड आप दे सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।